कल हमारे बसव कल्याण के एमएलए शरणु सलगर जी का भाषण सुना, जिसमें उन्होंने कांग्रेस वालों को ओपन ये चुनौती दिया है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या है, क्या किया है। अभी दो दिन इलेक्शन में बाकी है, एक स्टेज बनाएंगे, स्टेज के ऊपर दोनों डिस्कस करेंगे बोल के उन्होंने ओपन चैलेंज कांग्रेस वालों को दिया है। मैं एज AICC मेंबर मैं हमारे MLA श्री शरणु सलगर जी का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं और मैं MLA जी को आपके जरिए से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कल अभी एक दिन बाकी है, कल कहीं पे भी कोई भी फंक्शन हॉल, कोई भी स्टेज, कहीं पे भी वो हमको बुलाए, हम उनके साथ पब्लिक के बीच में हम चर्चा करेंगे। हम 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया हम बताएंगे, और MLA बनने के बाद इन्होंने क्या किया और BJP आने के बाद इन्होंने क्या किया ये वो बताएं, मैं उनका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। इसी मौके पर शरणु सलगर जी ने कहा है कि यहाँ पे MLA है, MP है, BJP का CM है, PM है बोल के बोले हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, यहाँ MLA रहते हुए करीब एक साल हुआ, बाई इलेक्शन में झूठ बोल के, बाई इलेक्शन में भी ऐसे ही भाषण किए थे, MLA शरणु सलगर को जिताएंगे तो उनका कॉलर पकड़ के आप पूछ सकते बोल के, लेकिन आवाम का पब्लिक का बोलना है शरणु सलगर ही नहीं मिल रहे, उनका कॉलर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से पकड़ेंगे करके पूछ रहे हैं। तो ऐसे झूठ बोलना बंद कीजिए, झूठ बोल के आप MLA तो बने हैं, एक साल से कुछ काम नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ कहीं रास्ते, कहीं गांव-गांव घूम रहा हूँ मैं, कहीं पे भी रास्ते का नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, सिटी में स्लम एरियाज में नाले भर के जा रहे हैं, MLA साहब उधर देख रहे नहीं, ऐसे झूठ बोल के जीत के आए हैं। अभी भी झूठ बोल के वार्ड नंबर 25 में जीतने का कोशिश कर रहे हैं। मैं आज ओपन चैलेंज देता हूँ कि वार्ड नंबर 25 में कांग्रेस जीतेगी और BJP 3rd नंबर पे रहेगी, मुझे ये विश्वास है। और हमारे CMC में कांग्रेस का सरकार है, अगर एक सीट और एक सीट आप लोग सब वार्ड नंबर 25 के लोग कांग्रेस को जिता के लाएंगे तो हमारे सदर का, हमारे कांग्रेस पार्टी का CMC में हाथ मजबूत रहेगा। एक आप BJP को या JDS को जिताने से म्युनिसिपैलिटी में या CMC में जो बॉडी है चेंज नहीं होगी, वहाँ पे कांग्रेस की बॉडी है, कांग्रेस को अगर जीत के लाएंगे तो बेहतर काम करने में एक आसान होगा करके ये समय में बोलते हुए। और एक बात उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया, ये सही बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर दूसरे पार्टी से खड़े थे, कांग्रेस के सामने खड़े थे, इलेक्शन है, प्रजाप्रभुत्व है, राजनीति में हार जीत होते रहता है, लेकिन ये बात शरणु सलगर जी नहीं भूलना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हारने के बाद यही कांग्रेस के महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी अपने जीते हुए कैंडिडेट को रिजाइन दिलवा के वो सीट से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जिता के कांग्रेस में, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये बोलना था बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस में नहीं रहे तो भी ये पार्लियामेंट में रहना जरूरी है, क्योंकि अपोजिशन हो या साथ में काम करने वाले लोग हो, एक बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट लोग रहेंगे तो इस देश का उन्नति होगा करके उनका सोचना था। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने फिर से एक बार जिता के पार्लियामेंट में बिठा के संविधान का कमेटी का चेयरमैन बना के ये सारा इतिहास है। शायद MLA साहब को इतिहास के बारे में कम नॉलेज है, आप ज़्यादा इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़ के आप बात करिए बोल के इस समय में बोलते हुए। मैं और एक बार शरणु सलगर जी का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, कल एक दिन बाकी है, कल किसी भी जगह आप बोलेंगे तो मैं आने के लिए, हमारे सारे कांग्रेस के लोगों को लेके आने के लिए मैं तैयार हूँ।